पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस आईपीएल सीजन शानदार लय में हैं। आईपीएल 2023 में बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखते हुए 500 से अधिक रन बना चुके हैं। मालूम हो कि उन्होंने अपने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोका था। यहां तक कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को इस मैच में जीत मिली थी और उसके प्लेऑफ की उम्मीद बची हुई है। अंतिम मुकाबले में उसे रविवार 21 मई को गुजरात टाइटंस से भिड़ना है। पिछले साल एशिया कप से पहले विराट कोहली ने ब्रेक लिया था और आते ही अफगानिस्तान के खिलाफ अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोका था। लगभग 3 साल से अधिक समय के बाद वे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने में कामयाब हुए थे। अब उन्होंने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जियो सिनेमा पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से बातचीत करते हुए कहा कि जब मैं ब्रेक के बाद वापसी कर रहा था तो मेरे साथ यह भी सोच थी कि यह मेरा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का अंतिम महीना हो सकता है, यानी वे संन्यास के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ बिल्कुल ठीक था, मैं खुश था कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, मैं हताश नहीं था। अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करने को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया है। कोहली ने कहा कि कोच राहुल द्रविड़ ने मैच से एक दिन पहले मुझसे पूछा कि क्या तुम कल ओपनिंग करना चाहते हो, मैंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। विराट कोहली ने कहा कि मेरे लिए अच्छा मौका रहा, मैंने ओपनिंग की और गेंद को हिट करना शुरू किया, यहाँ से सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो गया, मुझे वह उत्साह फिर से मिल गया। यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं खुद को लेकर कभी असुरक्षित नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं खुद फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरना चाह रहा था, इसे मैं कह नहीं सकता था, लेकिन इसके लिए मेरी कड़ी मेहनत लगातार जारी थी, अंत में मुझे ये सफलता हासिल हुई। कोरोना का समय किसी के लिए भी काफी कठिन था, मैंने भी इस कारण ब्रेक लिया और वो फिर से हासिल किया जो मैं चाहता था। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण हम 10 महीने तक कोई क्रिकेट नहीं खेल सके थे। 2020 में मैंने सिर्फ 6 मैच खेले थे, इसके बाद भी सिर्फ मेरे शतक की बात हो रही थी। विराट कोहली ने बताया कि उस समय हर मैच के बाद मुझसे खराब प्रदर्शन करने के बारे में पूछा जा रहा था, क्या मेरे 70 रन काफी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया था कि लोग मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, इस कारण बार बार ये सवाल किए जा रहे थे, लेकिन इसे लेकर मैं कभी परेशान नहीं हुआ और यही सोच रहा कि मैं अभी भी टीम के लिए योगदान दे रहा हूं। आईपीएल 2023 की बात करें तो विराट कोहली अब तक 13 मैच में 45 की औसत से 538 रन बना चुके हैं। वे एक शतक और 6 अर्धशतक लगा चुके हैं। विराट कोहली का T20 में अब 7 शतक हो चुका है। वे भारत की ओर से T20 में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।